इम्पीडेंस पैरामीटर में उसके वैल्यूज निकलवा दी थी ना। देखिए इनके इक्विवेलेंट सर्किट्स बनवाने हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर के, ठीक है। तो उसके पहले जरा ये देखिए इनके पैरामीटर्स हम कैसे दिखाते हैं। आज हम दोनों के सर्किट्स बताने हैं। तो पहले ये देखिए बात बंद करिए, अब देखिए इधर एच पैरामीटर्स फॉर कॉमन बेस सीबी, कॉमन बेस सीबी कनेक्शन, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, सीबी कनेक्शन के लिए एच पैरामीटर नहीं लिखा है, सबको लिखना है। और इसके इक्विवेलेंट सर्किट भी एक दिन थोड़ा जूम में बताया था, बहुत सही नहीं बता पाए, अभी बता रहे हैं कॉमन एमीटर का। पहले यह कहो तो कॉमन बेस से ही शुरू करेंगे, पहले पैरामीटर देखिए। देखिए कॉमन बेस कनेक्शन में यह है बेस, यह है आपका एमीटर, ये है आपका कलेक्टर, ये है कॉमन बेस, ये है कॉमन एमीटर, ये है एमीटर, ये है कलेक्टर, बेस कॉमन है, इनपुट करंट आईई है, आउटपुट करंट आईसी है, इनपुट वोल्टेज वीबी है, आउटपुट वोल्टेज वीसीबी है, आउटपुट वोल्टेज वीसीबी है, इनपुट वोल्टेज वीईबी है, आउटपुट वोल्टेज वीसीबी है, इनपुट करंट आईई है, आउटपुट करंट आईसी है। तो आप I1 लेते हो डेल्टा आईई, जो आप स्मॉल I1 लेते हो वो चेंज लेते हो, तो I1 हुआ डेल्टा आईई, I2 जो आप चेंज लेते हो वो हुआ डेल्टा आईसी, वो हुआ डेल्टा आईसी। फिर जो इनपुट वोल्टेज V1 लेते हो वो डेल्टा VEB, आउटपुट वोल्टेज V2 लेते हो वो लीजिए डेल्टा VCB, डेल्टा VCB। अब जरा पैरामीटर लीजिए H11, H11 क्या है, V1 अपॉन I1, स्मॉल V1 अपॉन I1, इसे कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस, इसे कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस HI। अब CB में लोगे तो HIB लगाओगे, उसमें सफिक्स में B लगाओगे, तो हमने उसे क्या कर दिया HIB, HIB से दिखाएंगे। इनपुट वोल्टेज में चेंज डेल्टा VEB, इनपुट करंट में चेंज डेल्टा IE, ये है आपका HIB, इनपुट इम्पीडेंस लर्न कर लीजिए HIB। फिर आप आइए जो दूसरा पैरामीटर है H21,
H21 फॉरवर्ड करंट गेन I2 अपॉन I1, ये फॉरवर्ड करंट गेन है, इसे हम HFB से दिखाएंगे। फॉर बेस के लिए कर रहे हैं HFB। I2 क्या है? डेल्टा IC। I1 क्या है? डेल्टा IE। ये दूसरा पैरामीटर हो गया, ठीक है, HFV आपका, ठीक है, HFB हो गया। अब आ जाइए तीसरा, तीसरा पैरामीटर है H12 रिवर्स वोल्टेज गेन। H12 रिवर्स वोल्टेज गेन HR, H12 रिवर्स वोल्टेज गेन HR से दिखा रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज गेन HR से दिखा रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज गेन। और रिवर्स वोल्टेज गेन को HR, ये आपका क्या है? इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज गेन का मतलब इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। इसे HRB करिए, इनपुट वोल्टेज में चेंज डेल्टा VEB, आउटपुट वोल्टेज में चेंज डेल्टा VCB। ये आपका, ये तीसरा हो गया। अब आइए चौथा पैरामीटर है H22 I2 अपॉन V2। ये है H0 आउटपुट एडमिटेंस। क्या कहते हैं? आउटपुट एडमिटेंस। इसे कर दीजिए H0B, इसे कर दीजिए H0V। I2 की वैल्यू है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VCB। ये आपके चार पैरामीटर हैं CB कनेक्शन के, ठीक है। दीज आर द फोर पैरामीटर्स ऑफ CB कनेक्शन, कॉमन बेस कनेक्शन। दीज आर द फोर पैरामीटर ऑफ CB कनेक्शन। CB कनेक्शन तो अद्विका आने के लिए फोन कर रही होगी। अरे वो क्लास ऐसे रिकॉर्ड हो रही है, फोन दूसरा था, नहीं फोन करके तुम्हें बता देते। दीज आर द फोर पैरामीटर्स ऑफ CB कनेक्शन। फोर पैरामीटर है CB कनेक्शन के लिए, ये देख लीजिए एक बार। फिर हम कॉमन एमीटर बता रहे हैं, कॉमन कलेक्टर, ये हमने नहीं बताए थे, फिर अब इनका कनेक्शंस का वो बता रहे हैं। तो देखिए H पैरामीटर्स चार प्रकार के हैं, ठीक है। एक है H11 जिसे HI कहते हैं, इनपुट इम्पीडेंस, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करिए, याद रखिए HI कहते हैं, V1 अपॉन I1, ठीक है। अब आप कॉमन बेस कनेक्शन में ले रहे हैं, HIB कर लीजिए, कॉमन बेस कनेक्शन में HIB।
इनपुट वोल्टेज में चेंज, वी वन का मतलब स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज में चेंज डेल्टा वी बी, इनपुट करंट में चेंज डेल्टा आई ई। फिर आप आइए एच टू वन है आई टू अपॉन आई वन, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, तो इसे हम कहते हैं करंट, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड करंट गेन। आउट आई टू अपॉन आई वन फॉरवर्ड करंट, अगर आई वन अपॉन आई टू आ जाए तो रिवर्स करंट गेन हो जाए, तो ये फॉरवर्ड करंट गेन है। अभी रिवर्स वोल्टेज गेन आपका नीचे है, तो आपने क्या किया आई टू की वैल्यू डेल्टा आई सी, यहां पर देखो डेल्टा आई सी, और आई वन की वैल्यू डेल्टा आई, ये हो गया फॉरवर्ड करंट गेन। फिर आप आइए एच वन टू एच आर वी वन अपॉन वी टू, ये क्या कहलाता है वी वन अपॉन वी टू, वी टू अपॉन वी वन होता तो वो कहलाता है फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, पर ये वी वन अपॉन वी टू है तो ये क्या कहलाएगा रिवर्स वोल्टेज गेन, ये आपका रिवर्स वोल्टेज गेन। एच आर ये वैल्यू रख दिया एच आर बी, ठीक है डेल्टा वी बी अपॉन डेल्टा वी सी बी, डेल्टा वी बी अपॉन डेल्टा वी सी बी, ठीक है आउटपुट वोल्टेज में चेंज सॉरी इनपुट वोल्टेज में चेंज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। अब एच टू टू आई टू अपॉन वी टू, ये क्या है एच नॉट, इसे क्या कहते हैं आउटपुट एडमिटेंस, एच नॉट बी बेस के लिए करना एच नॉट बी। अब आउटपुट करंट क्या है डेल्टा आई सी, आउटपुट वोल्टेज क्या है डेल्टा वी सी बी, ये आपके चार पैरामीटर हो गए, एक एच आई बी एक एच एफ बी एक एच आर बी और एक एच नॉट बी। अब आइए सबका नोट हो गया, अब देखिए कॉमन एमीटर का एच पैरामीटर फॉर कॉमन एमीटर सी, सी के लिए, सी के लिए कॉमन एमीटर कनेक्शन के लिए ये बेस, ये आपका एमीटर, ये अंदर, इनपुट करंट डेल्टा आई बी है, इनपुट वोल्टेज वीईबी है, आउटपुट करंट आईसी है, वोल्टेज वीसी है, तो आई वन बराबर डेल्टा आईबी, आई टू बराबर डेल्टा आईसी, वी वन बराबर डेल्टा वीईबी, V2 बराबर डेल्टा VCE, H11 V1 अपॉन I1 HI, इसे हमने क्या किया HIE, HIE, इनपुट वोल्टेज डेल्टा VB अपॉन इनपुट करंट डेल्टा IB, HFE कर लीजिए डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, ये फॉरवर्ड करंट गेन। एच आर नॉट ई कर लीजिए इनपुट वोल्टेज डेल्टा वी वी अपॉन आउटपुट वोल्टेज डेल्टा वी सी, एच नॉट ई आउटपुट करंट डेल्टा आई सी और आउटपुट वोल्टेज सी ई, दीज आर द फोर पैरामीटर ऑफ सी ई कनेक्शन, ये सी ई कनेक्शन के लिए हो, नोट कर डालिए, बस ई लगा दिया बी की जगह। ई लगा दिया, ठीक है सिमोन,
जल्दी से नोट करो, कॉमन बेस का हो गया, कॉमन का एमीटर, कॉमन कलेक्टर, ये एच पैरामीटर कॉमन एमीटर कनेक्शन सीई के लिए है। इनपुट करंट डेल्टा आई वी, आउटपुट करंट डेल्टा आई सी, तो आई वन की वैल्यू डेल्टा आई वी, आई टू की वैल्यू डेल्टा आई सी। इनपुट वोल्टेज में चेंज डेल्टा आई वी ई, आउटपुट वोल्टेज में चेंज डेल्टा वी सी। एच वन वन वी वन अपॉन आई वन, एच आई के बराबर, एच आई ई बराबर डेल्टा वी बी अपॉन डेल्टा आई बी, डेल्टा वी बी अपॉन डेल्टा आई बी। एच टू वन आई टू अपॉन आई वन, एच एफ तो एच एफ ई कर लीजिए फॉरवर्ड, अब एच एफ ई डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। एच वन टू एच आर वी वन अपॉन वी टू, वी वन है आपका इनपुट वोल्टेज में चेंज डेल्टा वी बी, वी टू आउटपुट वोल्टेज में चेंज डेल्टा वी सी। एच टू टू आई टू अपॉन वी टू, एच नॉट है, एच नॉट ई आउटपुट वोल्टेज में चेंज, आउटपुट करंट में चेंज डेल्टा आई सी, आउटपुट करंट में चेंज डेल्टा आई सी अपॉन आउटपुट वोल्टेज में चेंज डेल्टा वी सी। सबका नोट हो गया? इधर देख लो जरा, ये एच पैरामीटर फॉर कॉमन एमीटर कनेक्शन सी। तो अब आपका इनपुट करंट, यहाँ पर एमीटर कॉमन है तो इनपुट करंट डेल्टा आई बी, इनपुट करंट डेल्टा आई बी, आउटपुट करंट डेल्टा आई सी। इनपुट वोल्टेज वी ई वी का चेंज वी वन डेल्टा वी ई वी, आउटपुट वोल्टेज वी टू, वी टू बराबर डेल्टा वी सी, ये हो गया। अब एच वन वन V1 अपॉन I1, V1 है इनपुट वोल्टेज में चेंज और I1 है इनपुट करंट में, इसे हम क्या दिखाते एच आई, एच आई ई कर दिया, इनपुट इम्पीडेंस एच आई ई, एमीटर के लिए कॉमन एमीटर के लिए एच आई ई, इनपुट वोल्टेज में चेंज डेल्टा वी बी, इनपुट करंट में चेंज डेल्टा आई बी। एच टू वन आई टू अपॉन आई वन, आउटपुट करंट में चेंज अपॉन इनपुट करंट में चेंज, इसे कहते हैं फॉरवर्ड करंट गेन एच एफ ई, आउटपुट करंट में चेंज डेल्टा आई सी, इनपुट करंट में चेंज डेल्टा आई बी। एच वन टू एच आर रिवर्स वोल्टेज गेन वी वन अपॉन वी टू, वी वन की वैल्यू इनपुट वोल्टेज में चेंज डेल्टा वी ई बी, आउटपुट वोल्टेज में चेंज डेल्टा वी सी बी, वी सी ई सॉरी। एच टू टू आई टू अपॉन वी टू, आउटपुट करंट में चेंज अपॉन आउटपुट वोल्टेज में चेंज, इसे क्या कहते हैं आउटपुट एडमिटेंस एच नॉट। अब एमीटर के लिए सब में ई लगाइए, ये वैल्यू क्या हो गई आई टू का मान डेल्टा आई सी, वोल्टेज डेल्टा वी सी। ये आपके फोर पैरामीटर हो गए कॉमन एमीटर कनेक्शन के, दीज आर द फोर पैरामीटर फॉर कॉमन एमीटर कनेक्शन। अब देखिए कॉमन कलेक्टर का और लिख लीजिए फिर। हाँ बोलो, कहाँ पे? हाँ तो ये I2 जो है चेंज के लिए स्मॉल नोटेशन है, I2 का मतलब इन उसमें चेंज, इनपुट करंट में चेंज, आउटपुट करंट में चेंज डेल्टा डेल्टा I2 है, और ये I1 का मतलब स्मॉल I1 का मतलब इनपुट करंट में, तो हमने पीछे लिखा है कि ये स्मॉल नोटेशंस में हम दिखा रहे हैं, पर ये तो चेंजेस थे ना। I2 का मतलब था, इस I2 का मतलब डेल्टा I2, I1 का मतलब था डेल्टा I1, ये चेंजेस थे जो इस फॉर्म में आए। नहीं नहीं डेल्टा तो हम
ये हमने पीछे देखो ना जरा कि आपने क्या किया, आई वन का जो चेंज था डेल्टा आई वन उसे स्मॉल आई वन में दिखा लिया, ये कह रहे हैं। डेल्टा आई टू को हमने स्मॉल आई टू में दिखा लिया, डेल्टा वी वन को हमने स्मॉल वी वन में दिखा लिया, ठीक है, और डेल्टा वी टू को हमने स्मॉल वी टू में दिखा लिया। तो ये स्मॉल सिग्नल नोटेशंस हैं, है ना, पर ये चेंजेस है। स्मॉल आई वन का मतलब इनपुट करंट में चेंज, स्मॉल आई टू का मतलब आउटपुट करंट में चेंज, स्मॉल वी वन का मतलब इनपुट वोल्टेज में चेंज, स्मॉल वी टू का मतलब आउटपुट। पीछे देखो ये, अब देखिए कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, कलेक्टर सीसी कनेक्शन, अब देखिए कॉमन कलेक्टर, बेस ये है आपका कलेक्टर, ये है आपका एमीटर, ये आपकी एनपीएन ले लें, तो इनपुट करंट में चेंज डेल्टा आई बी, आउटपुट करंट में चेंज डेल्टा आई बी, इनपुट वोल्टेज में चेंज VCB, तो यहां पर I1 अब डेल्टा IB, I2 है डेल्टा आई, वी वन है डेल्टा वी सी बी, वी टू है डेल्टा वी सी, ठीक है, आई वन है डेल्टा आई बी, आई टू है डेल्टा आई, वी वन की वैल्यू डेल्टा वी सी बी, वी टू की वैल्यू डेल्टा वी सी, एच वन, अब इसे कॉमन कलेक्टर है एच आई सी कर लो, वोल्टेज में चेंज इनपुट वी सी बी अपॉन डेल्टा आई, एच एफ सी आउटपुट करंट में चेंज डेल्टा आई ई, इनपुट करंट में चेंज डेल्टा आई, एच आर सी इसमें चेंज, वी वन में चेंज डेल्टा वी सी बी अपॉन डेल्टा वी सी, डेल्टा वी सी, एच नॉट सी, आई टू में चेंज डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा वी सी, दीज आर द फोर पैरामीटर ऑफ कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, सीसी कनेक्शन। तो आई वन की वैल्यू तो एच आई सी बराबर डेल्टा वी सी बी का चेंज और इनपुट करंट का चेंज डेल्टा आई वी, एच टू वन का मतलब आई टू अपॉन आई वन डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई वी, एच वन टू का मतलब एच आर वी वन अपॉन वी टू, वी वन का मतलब डेल्टा वी सी बी अपॉन डेल्टा वी सी ई, डेल्टा वी सी बी अपॉन डेल्टा वी सी ई, ठीक है, वी सी बी आपका इसका डेल्टा वी सी, एच टू टू आई टू अपॉन वी टू, एच नॉट सी आपका आई टू है डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी सी, ये आपका ये हो गए चारों पैरामीटर्स आपके हो गए। जल्दी से देखिए एक हम सर्किट बता दें, अरे शक्ति जा रहे,
चलो फिर अगले टर्न पे इस पे देख लेना, ऐप पे जोड़े हो कि नहीं, लिखो लिखो लिखो, उसको डाउनलोड करके जाओ। मोबाइल है कि नहीं? अच्छा कहाँ है मोबाइल, कहाँ है? लिखो अखंड फिजिक्स क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। यही तो कर रहे हैं, इसीलिए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टाइम अलग से हो नहीं पा रहा है, क्लास तुम लोग ही रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। अखंड फिजिक्स क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। नाम क्या डालोगे? शक्ति डालोगे अपना, उसमें नाम डालोगे तो हम एडमिट कर लेंगे। तो यही वाली क्लास पढ़ लोगे, इसके आगे वाली। अनलिमिटेड स्पेस है, अब ये हमें नहीं मालूम। ठीक है तो डाउनलोड कर लेना, तो तुमको तुरंत रास्ते में जाते हुए कर लो जरा। इसका BSc पार्ट वन में 72% है, तो ये पर इनके तो रिजल्ट आ गया ना, इनका भी वही हुआ है। अब देखिए हो गया सबका, तुम लोग बताओ नोट हो गया सबका? नोट हो गया? देखिए बोर्ड चमक तो नहीं रहा, दरवाजा जरा चिपका दो, बंद कर दो। देखिए हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट एंड इक्वेशन फॉर कॉमन बेस कनेक्शन, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट एंड इक्वेशन फॉर कॉमन बेस कनेक्शन, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट सर्किट एंड इक्वेशन, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट एंड इक्वेशन फॉर कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन बेस कनेक्शन, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट एंड इक्वेशन फॉर कॉमन बेस कनेक्शन, ये आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है और इक्वेशन बनानी है हाइब्रिड की। ठीक है, कॉमन एमीटर का हमने पढ़ा दिया था, पर उसको भी आप समझेंगे अच्छी तरीके से। हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट एंड इक्वेशन फॉर कॉमन बेस कनेक्शन, अब सर्किट बना रहे हैं। देखिए ये है आपका बेस जिसे आपने अर्थ कर दिया, ये है एमीटर, ये है कलेक्टर, ये है एमीटर, ये है कलेक्टर। ठीक है, इनपुट लोड आर आई है, इनपुट लोड आर आई है, ये पी है, एन है, ए पी, पी को दिया हमने पॉजिटिव, एन को दिया नेगेटिव। ये क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस्ड। ट्रांजिस्टर को जब भी यूज करोगे इनपुट फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट रिवर्स बाइस, और यही आप FET पे जाओगे, क्योंकि फोर्थ यूनिट में आपकी FET है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसमें यही इंप्रूवमेंट किया जाएगा कि इनपुट आपका रिवर्स बाइस रहेगा, आउटपुट फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, अब देखिए
ये वोल्टेज है VEB, इनपुट करंट है IE, ठीक है, आउटपुट करंट इनपुट वोल्टेज VI है। लोड RL है, यहां पर आउटपुट वोल्टेज V नॉट है। P पर हम देख, अब भाई रिवर्स वाइज करना है, P को देंगे नेगेटिव, N को देंगे पॉजिटिव, P को दिया नेगेटिव, N को दिया पॉजिटिव। ये बैटरी है VEE, ये बैटरी है VCC, ये है वोल्टेज VCB, आउटपुट करंट है IC, IC। हाइब्रिड पैरामीटर की इक्वेशंस देखिए जरा, इक्वेशंस ऑफ एच पैरामीटर मीटर्स आर, इक्वेशंस ऑफ एच पैरामीटर आर आपकी देखिए शुरुआत, इक्वेशन देखिए जरा, V1 बराबर H11I1, H12V2, ठीक है, I2 बराबर देखो इक्वेशन पहले, H12I1, H22V2, ये आपके तो यहां पर H11I1 I1 बराबर H11I1, H12V2, I2 बराबर H12I1, H22V2, ये आपका, ठीक है। अब आपने यही देख लीजिए पीछे इक्वेशन, और ये सभी बच्चे अभी जाके तुरंत लर्न कर लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। अब आपके जो पैरामीटर्स हैं वो देखिए, H11 की जगह आप क्या लोगे, HIB, H11 की जगह क्या लोगे, HIB, H12 की जगह क्या लोगे, HRB, H12 की जगह HRB लोगे, HR होता है ना H12, ये देखो लिखा है HR, अब बेस जब कॉमन बेस है तो HRB लगे, ठीक है। H21 की जगह H21 फॉरवर्ड करंट गेन HFV, H22 को H0B, ये आपके पैरामीटर हो गए। अब देखिए जरा इनपुट करंट, इसकी तुरंत प्रैक्टिस करिएगा, इनपुट करंट I1 है, इसकी वैल्यू डेल्टा IE लीजिए, इनपुट करंट I1 है, इसकी वैल्यू डेल्टा IE लीजिए,
आउटपुट करंट I2 है, इसकी वैल्यू डेल्टा IC लीजिए। हाँ क्या हाँ अरे रे गड़बड़ लिख गए एच टू वन सॉरी आई टू बराबर एच टू वन आई वन एच टू टू वी टू गलत लिख गए। अब यहां पर आई टू बराबर डेल्टा आई सी, वी वन बराबर डेल्टा वी ई वी जो डेल्टा वी आई के बराबर, वी टू बराबर डेल्टा वी सी वी जो डेल्टा वी नॉट के बराबर। ये आपका अब देखिए जरा पहले इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी वन बराबर एच वन वन आई वन एच वन टू वी टू, वी वन बराबर एच वन वन आई वन एच वन टू वी टू। ये अभी हमने जूम पे भी नहीं पढ़ाया था, है ना संजीव कुमार, नोट कर लो। वी वन की वैल्यू डेल्टा, वी वन की वैल्यू डेल्टा वी भी लिख दो चाहे डेल्टा वी आई लिख दो, कुछ भी कर लो। तो डेल्टा वी आई लिख दो चाहे डेल्टा वी ई वी लिख दो, एक ही बात है। एच वन वन की वैल्यू क्या है एच आई बी, आई वन की वैल्यू डेल्टा आई ई, एच वन टू की वैल्यू एच आर बी, वी टू की वैल्यू, वी टू की वैल्यू डेल्टा वी नॉट, वी टू की वैल्यू डेल्टा वी नॉट। इससे आप ऐसे कर लीजिए डेल्टा वी आई एच आर बी डेल्टा वी नॉट एच आई बी डेल्टा आई ई, तो डेल्टा आई ई का मान आ गया डेल्टा वी आई एच आर बी डेल्टा वी नॉट अपॉन एच आई बी। ये आपकी इक्वेशन है जिससे हाइब्रिड का इनपुट सर्किट बनाएंगे, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट का इनपुट सर्किट हम इसी से बनाएंगे, ठीक है। दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन वी ड्रा द इनपुट हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट। By this equation we draw the input hybrid equivalent circuit. बड़ी ये दिक्कत हो जाती है। By this equation we draw the input hybrid equivalent circuit. इस equation से input hybrid equivalent circuit हम draw करेंगे। अब हमें output का बनाना है, तो इससे
आई टू बराबर इससे बनाइए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, हेलो, हाँ बोलिए, हम अखंड सर बोल रहे हैं, वो गुरुदेव कहाँ पे आना है? अच्छा गुरुदेव में, ये ग्रैंड होटल है, ग्रैंड होटल गुरुदेव के पी, ग्रैंड होटल है गुरुदेव टाके जी, उससे कहाँ पे हो तो आप? सर हम लोग ये क्रॉसिंग पे हैं। कौन सी क्रॉसिंग पे? ये जो गुरुदेव टाके से बनवाई इसके, हाँ उसके सामने देखो ग्रैंड होटल है बड़ा सा, उसके सामने वाली जो रोड गई है उसमें सीधे चले आओ, इनकम टैक्स सोसाइटी के पहले है, हाँ हाँ, या वो देख लेना कपूर फोटो स्टूडियो के लिए जो रोड गई है सामने सीधे चलते चले आना, जब खड़ेंजा तो उधर बाएं हाथ पे बच्चे खड़े होंगे बाहर, बाएं हाथ पे पार्क के सामने, ठीक है? ठीक ठीक। अब इक्वेशन सेकेंड, आई टू बराबर एच टू वन आई वन एच टू टू वी टू, अब इससे बनानी है, मतलब हम इनपुट की इक्विवेलेंट सर्किट इस इक्वेशन से बनाएंगे ये वाले से, और आउटपुट की ये वाले से। अब आई टू की जगह आपने क्या लिख दिया, डेल्टा आई सी, एच टू वन की जगह आप क्या लिखोगे, एच एफ वी, एच एफ वी, आई वन की वैल्यू आपकी क्या है, डेल्टा आई ई, एच टू टू की जगह आप क्या लिखोगे, एच टू टू, एच नॉट बी, एच नॉट बी, और वी टू की वैल्यू आपकी डेल्टा वी नॉट लिख दीजिए, डेल्टा वी नॉट, ठीक है? ये देखिए जल्दी से, अब इसमें डेल्टा वी नॉट की वैल्यू हम आउटपुट सर्किट की लिए होता है डीसी लोड लाइन के लिए ही, ई बराबर वी प्लस आई आर, ई बराबर वी प्लस आई आर उससे करेंगे, इन आउटपुट सर्किट E बराबर V प्लस आई आर, ई बराबर V प्लस आई आर, ये पढ़ा है आपने छोटी क्लासेस में, टेंथ मतलब ट्वेल्थ में पढ़ा है। अब E की जगह बैटरी का वोल्टेज लिखा जाता है, E का मतलब बैटरी का वोल्टेज, और बैटरी का वोल्टेज है वी सी सी, E की जगह आपने वैल्यू लिखी वी सी सी, वी की जगह, V की जगह आप क्या लिखेंगे, वी सी ई, ये वी सी बी, सॉरी वी सी बी, करंट है आई सी, किससे फ्लो हो रही है, लोड आर एल से, बैटरी का वोल्टेज वी सी सी, नोट कर लो अंकिता, कर रही हूं, वी सी सी, वी सी बी, आई सी आर एल, अब इसे मतलब ये इक्वेशन बन गई VCB ICRL, इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो डेल्टा V नॉट आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा VCB किसके बराबर है, V नॉट, डेल्टा V नॉट बराबर ही है, तो डिफरेंशिएट करिए, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका हुआ डेल्टा VCB, इसका हुआ ICRL, डेल्टा RL, डेल्टा ICRL, इधर करिए इसे डेल्टा वी नॉट कर लीजिए, ठीक है? तो आपका डेल्टा वी सी बी माइनस डेल्टा आई सी आर एल, ये किसके बराबर, डेल्टा वी नॉट माइनस डेल्टा आई सी आर एल, ये इक्वेशन आप रखिए किसमें, इक्वेशन फोर में, यूजिंग इक्वेशन सिक्स इन इक्वेशन फोर, रखिए जल्दी से,
डेल्टा आई सी, एच एफ वी, डेल्टा आई ई, एच नॉट ई, एच नॉट बी सॉरी, डेल्टा वी नॉट। वैल्यू रखी डेल्टा आई सी, एच एफ वी, डेल्टा आई ई, ये रख देंगे, एच नॉट बी, डेल्टा आई सी आर एल, डेल्टा आई सी आर एल। उधर ले आइए, बस अब सर्किट बनाने जा रहे हैं, बस ये बन जाए इक्वेशन। उधर ले आइए तो डेल्टा आई सी एच नॉट बी डेल्टा आई सी आर एल बराबर एच एफ वी डेल्टा आई ई। तो एच एफ वी डेल्टा आई ई, डेल्टा आई सी आर एल अपॉन आर एल, अपनी तरफ से आर एल से मल्टीप्लाई, आर एल से डिवाइड, और ये पहले लिख दे, कर ले रहे हैं, डेल्टा आई सी आर एल अपॉन वन अपॉन एच नॉट बी। ये इक्वेशन हो गई जिससे आउटपुट का सर्किट ड्रा करेंगे, ठीक है। ये आपकी ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड और सेवन हाइब्रिड इक्विवेलेंट इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेवन आर हाइब्रिड इक्विवेलेंट इक्वेशन, हाइब्रिड इक्विवेलेंट इक्वेशन है, इक्वेशन बाय विच फोन किया, बाय विच, बाय विच आउटपुट, बाय विच इनपुट एंड आउटपुट हाइब्रिड बाय विच इनपुट एंड आउटपुट हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट आर प्लॉटेड आर फॉर्म करें। इससे इनपुट और आउटपुट के सर्किट फॉर्म किए जाते, इक्वेशन थर्ड एंड फोर आर हाइब्रिड इक्विवेलेंट इक्वेशंस बाय विच इनपुट एंड आउटपुट हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट्स आर फॉर्म, जिससे इनपुट और आउटपुट के हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट आपके फॉर्म किए जाते हैं, ये आपके। तो इससे हम इनपुट का सर्किट बनाएंगे और इससे आउटपुट, जरा इसका देख लो, बिल्कुल सरल है, ये वाली इक्वेशन ली डेल्टा आई सी एच एफ वी डेल्टा आई ई, एच नॉट बी डेल्टा वी नॉट, डेल्टा वी नॉट का मान डेल्टा आई सी आर एल रख दिया, डेल्टा आई सी आर एल, इसको उधर भेजा, माइनस वाला प्लस हो गया, एच एफ वी डेल्टा आई ई डेल्टा आई सी आर एल से मल्टीप्लाई, आर एल से डिवाइड, डेल्टा आई सी आर एल वन अपॉन एच नॉट बी, वन अपॉन एच नॉट बी। तो इक्वेशन थर्ड एंड सेवन हाइब्रिड इक्विवेलेंट इक्वेशंस है, कहते हैं ना टॉपिक में क्या डलवाया, हाइब्रिड इक्विवेलेंट इक्वेशंस, और उन्हीं से हम हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट्स प्लॉट करेंगे। अब देखिए जल्दी से प्लॉट कर लीजिए, टाइम नहीं है।
इनपुट का लोड आर आई बनाइए, ये इनपुट का सर्किट, इनपुट का लोड आर आई बनाया, इनपुट का लोड आर आई बनाया, वोल्टेज वी आई बनाया, जल्दी ड्रा करिए भाई लेट हो रहा है, ये वन वन कर देते हैं, इनके बीच में वोल्टेज वी आई है, इनके बीच में वोल्टेज वी आई है, यहां पर एच आई बी है, इनपुट करंट आपकी कौन सी है, इनपुट करंट आई ई, और एच नॉट बी, एच एफ बी, ये वाला देखो एच आर बी, एच आर बी डेल्टा वी आई, ये करंट है, एच आर बी डेल्टा वी नॉट, ये आपकी हो, इतना इनपुट का सर्किट बन गया, ठीक है। अब आउटपुट का बनाइए, आउटपुट का एच एफ वी डेल्टा आई बी, ये हो गया एच एफ वी डेल्टा आई ई, ये हो गया, ये आउटपुट का एच एफ बी डेल्टा आई ई, ये हो गया। वन अपॉन एच नॉट बी, वन अपॉन एच नॉट बी, ये है आपका लोड आर एल, ये है लोड आर एल, इसके अक्रॉस में वी नॉट है, ये टू टू डैश, करंट क्या फ्लो हो रही है आई सी, ये आउटपुट का, तो ये है आपका इनपुट का, ये है आउटपुट का, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, ये इनपुट ये आउटपुट, आर आई ये वोल्टेज, वी आई ये वी आई, ये क्या है फिगर रफ हो गया, एच आई बी आपका इनपुट में इम्पीडेंस और उससे सबट्रैक्ट हो रहा था एच आर बी डेल्टा वी नॉट, तो एच आर बी रिवर्स वोल्टेज गेन है, रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है, वी वन अपॉन वी टू, तो ये डेल्टा वी नॉट, मतलब वी वन का मतलब डेल्टा वी आई अपॉन, तो ये डेल्टा वी आई है। फिर इस वाले में देखो एच एफ वी डेल्टा आई ई, ये करंट हो गई, ठीक है, आउटपुट करंट हो गई डेल्टा आई सी, ये आपका इसके पैरेलल में ये क्या है आर एल, ये क्या है वन अपॉन एच नॉट बी, और ये है टू टू, ये है आपका वन वन डैश, इसे कहते हैं वन वन डैश, और वो टू टू डैश, टू टू डैश, ये बन गए, ये बस करिए। कितना टाइम हो गया, 9:15 हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट, क्लास का टाइम भी ओवर, ये